और आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको याद ना हो तो, कि ये जो 5 दिन का टूर है कुआलालंपुर का, वो हम लोग कर रहे हैं सिर्फ 30,000 रुपये में। जी हाँ, 30,000 रुपये में। अगर आप भी करना चाहते हैं इस टूर को तो नीचे हमें कमेंट में बताएं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो अब हम वॉक करते करते जा रहे हैं बुकित बिंतांग। हमारे जो होटल से अपार्टमेंट से बुकित बिंतांग जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और लोग बता रहे थे कि शाम के समय में जो है वहाँ पे नज़ारा काफ़ी बढ़िया होता है। तो अभी जाके टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क जैसा तो अभी कैसा है वो जाके देखते हैं, कि टाइम स्क्वायर तो हम लोगों ने नहीं देखा, यूट्यूब पे देखा है, ठीक ना, लेकिन देखा है मूवीज़ में देखा है, लेकिन अभी जाके देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह का एक्चुअल में कैसा नज़ारा है, है ना। वॉक करते करते जाते हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता जो है वो हमें तय करना है। अभी पहुंच के आपको भी दिखाते हैं। ये जो कुआलालंपुर है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अंडररेटेड सिटी है। यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया स्काईस्क्रैपर्स, और सिटी बहुत क्लीन है, सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक है। सुबह से मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सब कुछ बहुत सिस्टम से है। इंडिया की किसी भी सिटी के साथ आप इसको कुआलालंपुर को कंपेयर नहीं कर सकते, वो इतना अच्छा है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, अभी हम लोगों को वॉक करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। वेदर भी बहुत सही है, वेदर जो है ना वो 27-28-29 के आसपास है, उमस उतनी ज़्यादा नहीं है, ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, जो पसीने निकलते हैं ना वैसा भी कुछ भी नहीं हो रहा है। पेट्रोल जो है वो यहाँ पे 34 रुपये या मैक्सिमम 36 रुपये लीटर है। डीजल महंगा है यहाँ पे, डीजल 60-62 रुपये है, पेट्रोल बहुत सस्ता है। तो मैंने आज सुबह ही पूछा था, मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई पेट्रोल का भाव क्या है यहाँ पे, मैंने सोचा कि होगा 60-70 रुपये, लेकिन उसने बताया कि इंडियन रुपीज़ में सिर्फ 34 या 36 रुपये होते हैं। 2 रिंगिट का है पेट्रोल, 2 रिंगिट लीटर पेट्रोल यहाँ पे। गो। और रास्ते में देखो, हमारे ग्रुप के साथ हम लोग पेट्रोल टावर के सामने खड़े हैं, कल जाएंगे यहाँ पे, है ना यमन भाई? कल शाम का प्लान है पेट्रोल टावर का। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हमने जो हमारा जो अपार्टमेंट जो लिया है वो ठीक जो है वो पेट्रोल टावर के सामने है, मतलब पेट्रोनस टावर जो है वो 700 मीटर है हमारे अपार्टमेंट से, तो बहुत ही सही जगह है। ये सारी बिल्डिंगें देख के ऐसा लगता है इसको ईस्ट का दुबई बोल सकते हैं, दुबई वाली फीलिंग तो आ ही रही है इसका। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इसको देखकर दुबई वाली फीलिंग एक बार आ ही जाती है। बहुत सही बना है यार, बहुत सही है। टूरिस्ट भी हैं, बाहर के बहुत सारे टूरिस्ट हैं, घूम रहे हैं। ये देखो, ये रैपिड रेल मोनो रेल जा रही है ऊपर से। फाइनली हम लोग आ गए, कौन सी जगह पे? बुकित बिंतांग। बुकित बिंतांग में आ गए हैं। भाई पता नहीं यहाँ पे चारों तरफ लोग फोटो खिंचाने के लिए एकदम मारा मारी कर रहे हैं, आप जहाँ देखो। और जैसा मैंने वो वियतनाम में बोला था कि दूसरे लोगों की फ़ोटो में दूसरे लोग आ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी लोग लाइन से, देखो मेरे आप पीछे देख सकते हो, लोग लाइन से फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, लाइन से फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, पूजा कूद कर रहे हैं। ये जो कोरियन लोग हैं ना, इनको फोटो खिंचाने का इतना शौक है, इतना शौक है कि मैं क्या बताऊं आपको। जहाँ देखो पूरी दुनिया कोरियन लोगों से परेशान है, जहाँ देखो फोटो खिंचवाते रहते हैं रास्ते पे रुक रुक के, ठीक ना। और यहाँ भी हम लोगों ने देखा वो बुकित बिंतांग वाले चौराहे पे,
आता अच्छा है खींचना। हाँ उनको खींचना अच्छा। अब तुम 10-20 हज़ार फोटो खींचोगे तो तुमको भी आ जाएगा। सेल्फ चेकआउट है, बॉक्स के अंदर डाल दो और उसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। कार्ड से पैसे कर दो, यहाँ प्रोसेस हो गया, ऑल डन। और जैसे जैसे शाम ढलने लगी, बुकित बिंतांग का रंग जो है वो भी पूरा निखरने लगा। टाइम स्क्वायर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी अपनी एक रौनक है। जी हाँ, ईस्ट का दुबई आप बोल लो, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि ये ईस्ट का दुबई लगता है, और टाइम स्क्वायर का थोड़ा सा रंग मिला दो तो बन जाता है बुकित बिंतांग। बहुत ही सुंदर दिखता है ये शाम को, और यहाँ पे चहल पहल भी बहुत होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि इस एरिया में जो है वो प्लेस जो है वो बहुत लाइवली है। यहाँ पे पार्टीज होती है, पब्स हैं यहाँ पे खाने पीने की जगह है, शॉपिंग के लिए सब कुछ है, तो परफेक्ट जो है वो हर किसी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है बुकित बिंतांग। ये यहाँ पे इन्होंने पेवेलियन मॉल जो है बुकित बिंतांग में बहुत सही बनाया है, लेकिन अगर आप इंडिया में आपने लुलु मॉल और ये सब मॉल देखे हुए हैं तो ये कोई खास नहीं लगेगा। मतलब इंडियंस ने अब ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। घूम घूम के बहुत थक गए हैं, अब खाने की खोज में निकले हैं, खाना खाते हैं और जाते हैं वापस अपने अपार्टमेंट में। और वेजिटेरियन खाना ढूंढना यहाँ पे घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, बहुत ही मुश्किल है इस जगह पे वेजिटेरियन खाना मिलना। यहाँ पे आप देख लो बार्स, क्लब्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। लाइन से आपको बार्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे आप बैठकर अपने दोस्तों के साथ अगर पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। नाइट लाइफ जो है वो आपको बुकित बिंतांग में ही देखने को मिलेगी, पूरे कुआलालंपुर में यहाँ की जो नाइट लाइफ है वो बेस्ट है। दोस्तों, अगर आप हमारे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।